शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाले महलों की। क्लास कह रही हो उनका इस्तेमाल करते हुए तब वो लोग तुम्हें घटिया नहीं लगे। कामे हमारे दूरियां भी आ चुकी हैं और फासले। पूजा संपन्न हुई, अब गठबंधन खोल दीजिए। मुबारक हो तुम दोनों को, अब तुम दोनों जन्मों जन्मों के लिए दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दिल के रिश्ते जुड़ने की जितनी खुशियां मनानी है मना लो, पर अब वो दिन दूर नहीं जब इन रिश्तों में सिर्फ दरारें और दीवारें ही दिखाई देगी। काम्या जो आ गई, लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बस अब किसी की नजर ना लगे। माँ, मैं और रानी सोच रहे हैं कि आज हम वो डिनर पर जाएं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है तो, लेकिन सब नहीं, सिर्फ तुम दोनों जाना। हाँ माँ, सिर्फ मैं और रानी जाएंगे। सुरेखा, तुम्हारा मारा हुआ थप्पड़ आज तक याद है? भूलने की आदत नहीं है मेरी। जा, इस थप्पड़ को कभी मत भूलना। तो रानी, कहाँ चलना है आपको आज खाना खाने? आप बताइए। हेलो, ओ रियली? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। ओके। क्या हुआ बेटा? मां, शालिनी जी जी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। चलो, वक्त आ गया कि एक और अच्छी खबर मिले। मैम, हम शालिनी जी से मिलकर आते हैं। काम्या कोई इतनी आसानी से भूलने वाली चीज नहीं है, और ना ही काम्या को अपने साथ हुई नाइंसाफी भूलने की आदत है।
तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगी। प्यार के वादे मुझसे किए और शादी इस रानी से, I don't like it। काम्या को ये बात अच्छी नहीं लगी। सबसे खूबसूरत बच्ची है मेरी। नजर मत लगाओ मेरी बेटी को। मॉम बहुत खुश है। पता है, कह रही थी कि हमारे घर छोटी सी लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। आज उन्होंने देवी माँ के मंदिर में पूरा दिन प्रसाद और लंगर रखवाया है। हाँ हाँ, उन सब का इंतजाम हो गया। घबरा मत। कांग्रेचुलेशंस। बताओ कि तुम इसे कब मौसी बना रही हो? देखो, इसने तो बना दिया। जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास। देखो शीना, फैशन शो का इनविटेशन आया है और वैसे भी जिस शो में शीना था पर ना हो, उस फैशन शो की कोई वैल्यू ही नहीं होती, थोड़ी कम हो जाती है ना? क्या बात है शीना, तुम कुछ सोच रही हो? नहीं, मैं सोच नहीं रही हूँ, बस अपनी ही गलतियों की बोझ के नीचे मैं दबती चली जा रही हूँ। क्या बात है शीना, किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया? नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद का दिल, खुद की आत्मा इतनी सवाल कर रही है कि जिसके जवाब खुद के पास नहीं है। जेडी, जो जाती मैंने प्रिंस के साथ की, उसके लिए मैं इतनी शर्मिंदा हूँ। कम ऑन शीना, हम सब इस बात को भूल चुके, हम सब तुम्हें माफ कर चुके हैं। हाँ, हो सकता है कि आप सब लोग इस बात को भूल चुके होंगे, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, कोई मेरे साथ नाराज नहीं होता, कोई डांटता नहीं है, और हो सकता है कि मेरी इस गलती सारी लोगों ने माफ की होगी, लेकिन जड़ी मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ। बस शीना, इस टॉपिक पर हम और बात नहीं करेंगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बात। कम ऑन, स्माइल। इतनी बातों में एक इम्पोर्टेंट बात बताना तुम्हें भूल गया। लंदन से तनेजा का फोन आया था, उसके बेटे की शादी है और उसने तो अल्टीमेटम दे दिया, हम दोनों को उसके बेटे की शादी अटेंड करनी है। सो वी आर गोइंग टू लंदन, तुम्हें भी चेंज मिल जाएगा। कम ऑन, अब तो मुस्कुराओ। चार चार आठ दो दस दो बारह, 120,000, 100, 120,000, 143, 100,000, 4-5, 4-5, ये क्या बात है? एक ही डेट है, एक ही अमाउंट का बिल है, एक ही दिन माल दो बार है। चेक नंबर 38692, अरे चेक नंबर 38, ये क्या, एक ही अमाउंट के दो बिल और एक ही डेट के बिल, दो अलग अलग चेक से पेमेंट है, तो अकाउंट्स में गड़बड़ी है। बिल ओके भी है, पेमेंट भी हो गया, क्या मामला है भाई? हेलो कुलकर्णी। यस सर। ये एसके फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बिल कौन ओके करता है? एक ही डेट के दो बिल हैं और दो अलग अलग पेमेंट हैं। जी, ये सारे बिल्स तो निखिल सर ही ओके करते हैं। ओके, थैंक यू।
निखिल, मैं बस अब तुम्हारे पास आने वाला था। नहीं, आपको किसने कहा मेरी प्रोजेक्ट फाइल मेरे अकाउंट्स चेक करने के लिए? लाइन वो फाइल मुझे वापस दीजिए प्लीज। ठाकुर साहब ने मुझे इस ऑफिस के तमाम अकाउंट चेक करने की जिम्मेदारी सौंपी। मैं तुम्हारे इस नए प्रोजेक्ट एस के फार्मास्यूटिकल्स की फाइल्स चेक करना शुरू ही किया था। मुझे अकाउंट्स में गड़बड़ी नजर आई। आपको इस गड़बड़ी के बारे में सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरा मैटर है एंड आई नो हाउ टू हैंडल इट। ओके नो, ये काम मुझे सौंपा गया है, इसे मैं ही पूरा करूंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो ठाकुर साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। राजेंद्र सर, मैं आपके केबिन में इसी वक्त आना चाहता हूँ, एक जरूरी मसले पर आपसे बातचीत करनी है। थैंक यू। बताइए क्या बात है? देखिए मोहन के सर, कुछ नहीं भाई, ये नेक बैठ कर बात कर। पता नहीं एसके फार्मास्यूटिकल्स की प्रोजेक्ट की फाइल इनके हाथ में कैसे आ गई और अब ये उस अकाउंट्स में नुक्स निकाल रहे हैं। I'm sorry to say, बेटा, मुझे ना तो कोई नुक्स निकालने का शौक है ठाकुर साहब, और ना ही निक के किसी प्रोजेक्ट में मेरी दिलचस्पी। मेरे सामने फाइल लाया गया था, मैंने चेक किया, जिम्मेदारी से चेक किया और मुझे गलती नजर आई तो मैं चुप तो नहीं रह सकता, और निक को मेरी ईमानदारी पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। आपको मेरी फाइल चेक करने की जरूरत ही क्या है? ये मेरा मामला है और मैं अपनी गलती खुद संभाल सकता हूं। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माय मैटर्स। इनफ निक, इनफ। शायद तुम भूल गए हो कि बड़ों के साथ धीमी आवाज पर बात की जाती है। वेल साहब, मैं भी जरा देखूं ये फाइल, मुझे भी पता लगे कि ऐसी कौन सी बातें जो आप दोनों को अपसेट हो रही हैं। ये एक अमाउंट का बिल एक ही डेट है पर पेमेंट दो है। इतनी लापरवाही, एक ही काम के लिए दो दो पेमेंट्स? हाँ, दो बार पेमेंट्स किए तुमने। वेल साहब, ठीक ही तो कह रहे हैं, माना कि अमाउंट छोटा है, सिर्फ 1,00,000 रुपए, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा हम यूं बर्बाद तो नहीं कर सकते हैं। हमें तो गोयल साहब को थैंक्स अदा करना चाहिए, उन्होंने इस गलती को देखा। निक, गोयल साहब से माफी मांगो। नहीं नहीं ठाकुर साहब, माफी की कोई बात नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। गोयल साहब, आपको नहीं है लेकिन मुझे जरूरत है। कम ऑन निक, माफी मांगो। निक, I'm sorry। नहीं बेटा सुनो, सॉरी की कोई बात नहीं है, बात है ये सब कुछ अपना है, अगर बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है तो बूंद बूंद रिसने से घड़ा खाली भी हो सकता है। गोयल साहब, आज मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि एक जिम्मेदार और ईमानदार आदमी मेरे ऑफिस में काम कर रहा है। और काम क्या कर रहा है, ये सारे काम आप ही के तो हैं। जी। अब अपनों के होते हुए मुझे किस बात का डर? जी। एक एक कप कॉफी हो जाए? नहीं ठाकुर साहब, मेरे केबिन में बहुत काम पड़ा है। अरे गोयल साहब, हमारे ऑफिस में टी और कॉफी ब्रेक्स होते हैं। Now you only tell me, मैंने जो कुछ भी आपको बताया सही है या गलत? निक, मैं काफी टाइम से तुम्हारी सारी कंप्लेंट सुन रही हूँ, इस बात में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तुम गलत हो। अगर तुम्हारे पा ने राजेंद्र जी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और अगर वो निभा रहे हैं तो उसमें गलती क्या है? मॉम, आप भी प्लीज निक, इसमें गलती तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी, राजेंद्र जी की नहीं। और फिर तुम राजेंद्र जी की उम्र का भी तो लिहाज करो, ये मत भूलना कि काम के साथ साथ उन्हें लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, तो मैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर तुम्हारे पा कह रहे हैं कि तुम्हें उनके साथ जाकर अपोलोजाइज करना है तो फिर तुम्हें करना चाहिए। तुम राजेंद्र जी के काम को अंडर एस्टिमेट मत करो। मुझे पता है तुम्हें अपनी माँ की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि अगर तुम्हारे पा ने
उन्हें सोच समझकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो कम से कम अपनी पा की डिसीजन की इज्जत तो करो। देखो निक, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, जितना उड़ोगे उतना ही नीचे मुंह के बल घिरोगे, इसलिए अपने पैर जमीन पे ही रखना। और ये भी मत भूलना कि तुम अभी भी काम सीख रहे हो, सीख नहीं गए हो। काम करते करते तुमसे गलतियां होगी, उन गलतियों से कुछ सीखो, उन्हें दोष बनकर किसी के और के सर पे मत डालो। अच्छा किया शीना कि तुमने निक को यह समझा दिया, क्योंकि मैं भी उसे यही बात समझाने वाला था। निक, अपनी मॉम ने तुम्हें जो कुछ बताया ना, उसे समझने की कोशिश करना होगी। Thank you so much. लेकिन इन फूलों से मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? ये कैसा गिफ्ट है? हमने ऐसा तो नहीं कहा कि ये गिफ्ट है, ये तो सिर्फ एक क्लू है। गेस कीजिए कि गिफ्ट क्या हो सकता है। अभी तो आग खुली है और सुबह सुबह वैसे मेरा दिमाग नहीं चलता, और फिर बर्थडे के दिन कोई क्लू वाला गिफ्ट देता है क्या? हाँ, हम देते हैं ना, आप बस गेस कीजिए। But this is not fair. जब आपको गिफ्ट मिलेगा ना तो आप हमें को थैंक्स कहेंगे। अच्छा थैंक्स, अब बता भी दीजिए। इतनी आसानी से नहीं, थोड़ी सी तो मेहनत कीजिए। अरे वाह, बर्थडे वाले दिन भी मेहनत? अरे आप नाराज क्यों होते हैं, हम आपको और क्लू देंगे ना, आप गेस तो कीजिए। रानी बेटा, आई माँ, माँ भी बुला रही है, गेस कीजिए। हाँ कीजिए और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइएगा। बर्थडे के दिन गैस? ये बर्थडे खुशी से मना लो प्रिंस, तुम सोच भी नहीं सकते कि अब तुम्हारी लाइफ में क्या होने वाला है। दिस इज कामया, फुल ऑफ सरप्राइज।